ये फ्रेंड्स लाइटेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं अलाइनमेंट एंड इंडेंट कैसे करते हैं पावर पॉइंट में। तो पहले ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देता हूँ मैं और टेक्स्ट बॉक्स डाल देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में RND, ये जैसे मेरे पास पैराग्राफ है। अब मैं अलाइनमेंट करना चाहता हूँ और इंडेंटेशन करना चाहता हूँ। इंडेंटेशन इसे कहते हैं, अलाइनमेंट ये कहते हैं। तो इंडेंटेशन करने के लिए किसी पर मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये है, तो ये ऐसे इंडेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हाँ ये यूँ ही दे दिया। अब आप क्या कर सकते हो, ये ज़्यादातर अब मैं यहाँ पे फोटो डाल सकता हूँ या कोई शेप डाल सकता हूँ। जैसे ये शेप है, मैंने आपको ये समझा ही नहीं है शेप क्या होता है। अब मैं यहाँ पे शेप रख सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे में वो अलाइनमेंट इंडेंटेशन काम आता है, इंडेंटेशन की लेवल्स काम आती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो और मैं यही नहीं, यहाँ पे फोटो डाल सकता हूँ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे वो चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत काम आता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर आपको होम टैब पे जाना है और यहाँ पे ऐसे देना है। तो यहाँ पे आप फोटो डाल सकते हो और ये अपने हिसाब से कैसे भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ रखना है, कोई एरो रखना है तो आप एरो रख सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे एक एरो करना है तो मैं ऐसे एरो कर सकता हूँ। ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी मैंने आपको ये सब नहीं बताया है कि ये शेप्स कैसे करते हैं, कैसे यूज़ होता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो होती है वो इसलिए काम आती है कि हमें कुछ डालना हो, कोई पिक्चर डालनी हो, कोई फ़ोटो डालनी हो, कोई शेप डालना हो या कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट डालना हो तो काम आता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जैसे मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे आप बुक्स में देखते होंगे कि कैसे ये घुमावा होता है और यहाँ पे मतलब कोई फ़ोटो डली हुई होती है। जैसे कोई डॉग स्टोरी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे कोई डॉग की फ़ोटो डाल दी और यहाँ पे ऐसे पैराग्राफ बना हुआ, तो वो चीज़ काम आती है। ये होती है इंडेंटेशन करना। ठीक है, ये होती है इंडेंटेशन करना। और मैं आपको बता रहा हूँ अलाइनमेंट क्या होता है। अब अलाइनमेंट का मतलब यही होता है। अब जैसे सेंटर में लेना है तो मैंने इसको सेंटर में ले लिया, मैं इसको लेफ्ट में लेना चाहता हूँ, राइट में लेना चाहता हूँ तो ये पूरा राइट में ले लिया। जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई में ये अपना आप ले लिया। ओके फ्रेंड्स, तो सेंटर में, राइट में और जस्टिफाई, बस यही होता है इसमें, और कुछ भी नहीं है। सेंटर, राइट और जस्टिफाई, ये आपको अपने हिसाब से लेना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता। अब जैसे ये है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे ये वाला है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब मेरे को इसको बीच में लाना है तो मैं बीच में ले आऊँगा, मैं इसको साइड राइट में लाना है तो राइट में लाऊंगा। जस्टिफाई में क्या करेंगे, अपना आप सेट कर देगा, तो वो होता है जस्टिफाई। सेंटर में ले आऊँ, राइट में ले आऊँ और जस्टिफाई में ये अपना आप कर लेगा। तो ये होता है सही तरीका कि मेरे को बीच में लाना है, सेंटर में लाना है या राइट में लाना है, बस इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा वीडियो है और बहुत ईजी वीडियो है, इंडेंटेशन ऑफ अलाइनमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।